मंत्र की ताकत कैसी होती है। एक छोटी सी कहानी याद आ गई, अपनी अम्मा बहनों को सुना दें, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास हमारी माताओं बहनों को ही होता है। अक्सर करके हर गांव में एक दो झाड़ फूंक करने वाले लोग होते हैं, किन का बोलते हैं उनको, ओझा बाबा, नाउत, भगत जी, ऐसे अलग अलग बोलते हैं। यहाँ पर कोई हो भैया नाराज मत होना, हर एक गांव में लोग होते ना झाड़ फूंक करने वाले लोग। अगर जरा सा बच्चा बीमार हो गया, रोने लगा, तो माताएं बहनें लेके पहुंच जाएंगी, बाबा देखो हमारा बच्चा बहुत रो रहा है, क्या बात हो गई, ऐसा होता है। माताओं बहनों, ऐसे एक गांव में ऐसे झाड़ फूंक करने वाले बाबा जी रहते थे, और रोज 15-20 लोग उनके पास आते थे झाड़ फूंक करवाने के लिए। और वो बाबा जी करते कुछ नहीं थे, घर मकान नहीं बना, मतलब दूसरों की मदद करते थे, लेकिन खुद बहुत गरीब थे, एक झोपड़ी में रहते थे। उनके घर के द्वारे नीम का पेड़ लगा हुआ था, सुबह स्नान ध्यान करके बढ़िया चौका उका लगा के बैठ जाते, और हमेशा वो अपने मंत्र को सिद्ध करते रहते। क्या कहते कि जल बांधो, जालंधर बांधो, अग्नि बांधो, तूफान बांधो, मतलब वो बताते कि हमारे पास इतने बड़े बड़े मंत्र हैं कि हम मंत्र से आंधी पानी को बांध देंगे, आग लग जाए उसको मंत्र से बांध देंगे, आगे आग नहीं बढ़ेगी, मतलब वो ऐसे बताते रहते लोगों को। हमेशा जल बांधो, जालंधर बांधो, अग्नि बांधो, तूफान बांधो, आंधी पानी बांधो, यही जपते रहते। माताओं बहनों, वो बाबा जी जो थे उनकी पत्नी थी, तो उनकी पत्नी बेचारी खेत में भी काम करती, मजदूरी भी करने जाती, अब घर तो चलाना है कैसे, तो वो रहते कैसे थे, एक झोपड़ी बनी हुई थी, छप्पर रखा हुआ था, और छप्पर की चारों तरफ घास फूस की टटिया लगी हुई थी। टटिया समझ नहीं आता है मैंने आप, छप्पर के चारों तरफ घास फूस की टटिया लगी हुई थी, ऐसी व्यवस्था में रहते थे। एक बार क्या हुआ, घर के पीछे की टटिया एक तरफ की टूट गई, और घर के पीछे की टटिया जब टूट गई तो कुत्ता बिल्ली आता है भाई, रोटी खाना उठा ले जाता है। अब बाबा जी की जो पत्नी थी वो रोज बताती, कहती टटिया टूट गई बांध दे, टटिया टूट गई बांध दे, कुत्ता बिल्ली घर में घुस जाता है, सामान उठा ले जाता, रोटी खाना उठा ले जाता। अब बाबा को छुट्टी ही नहीं मिलती, जल बांधो, जालंधर बांधो, अग्नि बांधो, तूफान बांधो, वो जल जालंधर ही बांधते रहते, टटिया कब बांधे बेचारे। तो एक दिन का हुआ, खूब गर्मी हो रही थी माताओं बहनों, उनकी पत्नी जो थी खेत में काम करने गई, खेत में बेचारी काम करके आई, दोपहर में रोटी बना के रखी, और रोटी बना के रखा पर कुएं पे पानी भरने चली गई, और जब कुएं पे पानी भरने चली गई वापस लौटी तो कहा देखा कि जितनी वो रोटी बना के रख आई थी सब कुत्ता मुंह में दबाए लिए रोटी चला जा रहा, और किधर से गया, जिधर से टटिया टूटी हुई थी उधर से ही अंदर गया, और जितनी रोटी वो बना के रख गई थी, कौन, वही बाबा जी की पत्नी, मैं रोटी बना के रख दिया, कुएं पे पानी भरने चली गई, और पानी भर के जब लौटी तो यही देखा कि भाई जितनी रोटी वो बना के रख के आई थी कुत्ता सब रोटी मुंह में दबाए लिए। अब वो बेचारी वैसे गर्मी में रोटी बना के रखी है, उनका दिमाग वैसे काम नहीं कर रहा, और इधर बाबा जी क्या कर रहे, बढ़िया नीम की छाया में बैठे हैं, जल बांधो, जालंधर बांधो, अग्नि बांधो, तूफान बांधो, यही जप रहे। उनकी पत्नी कुछ समझ में नहीं आया, जो बाल्टी हाथ में लिया बाल्टी ही आग खोपड़ी पटक दी, कर अच्छा टटिया टूट गई सब बांधी बांधी नहीं जा रही, कुत्ता रोटी उठा ले गया, और जल जालंधर अग्नि तूफान बांधे डाल रहे हैं। एक नहीं कम से कम 10-15 बाल्टी बाबा जी के ऊपर पड़ी, और बाबा तुरंत ही घास फूस ढूंढने लगे टटिया कैसे बांधे, जल जालंधर अग्नि तूफान बांधना भूल गए और टटिया बांधने की तैयारी करने लगे। माताओं बहनों बातों सही भाई, घर की टटिया टूट गई सो बंद नहीं रही, और जल जालंधर अग्नि तूफान बांधे डाल रहे। तो मेरी अम्मा बहनों, ऐसे पाखंडों में आप लोगों को नहीं पड़ना है, जो अपना भला नहीं कर पाता वो दूसरे का भला कैसे करेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की।